हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 15 क्वेश्चन कर चुके, आज 16 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप जरा क्वेश्चन को देखो। चलो जी, लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बेंच। मतलब ये लोकेट हुई है ट्रायल बेंच बनने के बाद, तो एक एक एरर को देखते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। फर्स्ट एरर आ रही है, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500। सेल्स बुक क्या हो गई हमारी, 500 से ओवरकास्ट हो गई। अब यहां पर आ जाओ रफ वर्क पे, ये फेयर वर्क है, ये आपने दिखाना है, याद रख लो, और ये रफ है बनाने के लिए बस। और जब कभी भी आपके पास ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग है तो हम जो है राइट एंट्री में मत लिखो, सीधा रॉन्ग पे आ जाओ कि कौन सी बुक में हुई। कहते हैं सेल बुक आपकी ओवरकास्टिंग हो गई, ये देखो आप जरा यहां आपको करके दिखाता हूं कैसे होता है। ये छोटा सा आप एक सेल्स बुक बनाओ, आपको याद हो सब्सिडरी बुक जब आपने बनाई थी, ये रहा। और सबसे आपने क्या करा होगा यहां पर, सेल बुक के टोटल को क्या लिखा होगा आपको याद हो, क्रेडिट करते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं सेल्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब वो ये कह रहे हैं कि जो क्रेडिट साइड आपकी हो गई, क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा हो गई, उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, रिवर्स करके। तो क्रेडिट में लिखना था लेकिन वहां कितना लिख गए हम, 500 से ज्यादा, रेक्टिफाई कर दो। कौन सी साइड लिखा था याद करो, जो साइड लिखा है यदि ओवरकास्टिंग है तो उसका प्लेस चेंज होगा, सेल्स को डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहां पर सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट लिख दो जितना आपका आ रहा है 500 और 500। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक लिख दो, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड, खत्म हो गया। ये लो जी, हर चीज को सोच के करना है, ऐसे बना लिया करो। देखो बुक आपको याद है थोड़ी सब्सिडरी बुक जब आपने करी थी, तो सब्सिडरी बुक में यहां जितने भी डेटर से हमने सेल कर रखी होगी वो क्या कर रखे होंगे, या लिखे होंगे, और उनके टोटल को क्या करते हैं फिर ट्रांसफर सेल्स अकाउंट में। और कह रहा है ये ओवर कास्टिंग हो गई, मैंने हर क्लास में बताया कास्टिंग मीन्स होता है टोटलिंग करना, और वो बाई मिस्टेक हमसे क्या हो सकती है, ओवर भी हो सकती है और अंडर भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओवर कास्टिंग होगी 500 से, तो जब ओवर कास्टिंग होगी तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, तो उसको रिवर्स कर देंगे डेबिट साइड, तो इफेक्ट जो है नल हो जाएगा, वो रेक्टिफाई हो जाएगी, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये चीज हो गई। अब जरा नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ रही है क्रेडिट, बहुत अच्छी है, क्रेडिट परचेजेज फ्रॉम आराध्या 6000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ आराध्या अकाउंट 9000। क्रेडिट परचेजेज फ्रॉम, यहां लिखो एंट्री को, ये रहा सेकंड, क्या आपने करी है क्रेडिट करी है किससे, आराध्या से, ये राइट एंट्री है, पहले राइट लिख लिया करो, लिखो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आराध्या, परचेजेज अकाउंट डेबिट 6000 रुपी टू आराध्या, आराध्या कितना अमाउंट है 6000, ये चीज क्लियर है, ये राइट एंट्री बन गई। अब जरा रॉन्ग देखो क्या हो गया, कहता है डेबिटेड टू हर अकाउंट, उसके अकाउंट को डेबिट कर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि परचेज को क्रेडिट कर गए, परचेज अपने, क्योंकि परचेज के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, साइलेंट है, तो परचेज अपने प्लेस पर ठीक है। मैं रॉन्ग करके दिखाता हूं, देखो रॉन्ग क्या हुई होगी, परचेजेज के बारे में याद रखो जिस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा वो अपने प्लेस पर ही है, उसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, राइट एंट्री में परचेजेज डेबिट था, इसके बारे में साइलेंट है कि इसमें क्या हुआ और क्या नहीं, तो इसमें अपने प्लेस पर ठीक अमाउंट से एंट्री हुई है, लेकिन कहता है जो आराध्या अकाउंट था वो क्या हो गया, क्रेडिट की बजाय डेबिट हो गया, ये रहा डी आराध्या अकाउंट, और अमाउंट भी चेंज हो गया आपसे, और टू साइड में क्या लिखा होगा, इसका मतलब क्रेडिट में हमसे कुछ नहीं लिखा गया, दोनों अकाउंटों के अंदर जब पोस्टिंग करी तो डेबिट साइड ही करी, क्रेडिट साइड किसी भी अकाउंट में नहीं करी। पहली बात तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी हमारे डेबिट और क्रेडिट मैच ना करें तो सस्पेंस आएगा। ये देखो डेबिट का टोटल कितना बनता है 15, क्रेडिट में 15 नहीं बन रहा, 0, सस्पेंस जरूर आएगा। कैसे इसको ठीक करेंगे सोचते हैं, जो अकाउंट में गलती हुई उसी को करते हैं, पहले तो इस अकाउंट को आराध्या को क्या है, डेबिट नहीं होना चाहिए था क्रेडिट, इतने अमाउंट से इसको रिवर्स करो, ये लो यहां पर लिखो सेकंड, यहां पर लिखो आप टू आराध्या,
आराध्य। कितना अमाउंट है? 9000। ये आपने अभी क्या किया है वो बताता हूं। ये रेक्टिफाई एंट्री है जिसमें पास करनी है। ये तो रॉ आपकी रफ वर्क है, करो या ना करो, बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, यहीं से कंपैरिजन होगा। परचेज डेबिट है और परचेज डेबिट हो गया, परचेज को टच ही नहीं करना, परचेज ठीक हुआ है। आराध्य होना तो चाहिए था क्रेडिट, पर कितनी बड़ी मिस्टेक है, क्रेडिट की जगह क्या कर गए उसको डेबिट, और कितने अमाउंट से, अमाउंट भी चेंज कर गए 9। पहले हमने आराध्य को क्या करा, क्रेडिट, तो क्या हो गया आराध्य के अकाउंट में, ये नल इफेक्ट हो गया जो मिस्टेक हुई थी, याद रखो अभी। लेकिन रियल इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा। आराध्य दोबारा क्रेडिट, आराध्य 6000 क्रेडिट, और ऊपर क्या आएगा, सस्पेंस। मैंने आपको बताया ना सस्पेंस कब अकाउंट क्रिएट होगा, आप सीधा लॉजिक लगा लो, जब कभी भी डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट टैली नहीं करते देन सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, चाहे वो डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में, सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 15000। अच्छा, अब जो ये हमें दो बार लिख के दिखाया, ये आपने लिखना दो बार नहीं है, समझाने के लिए था। आप एक ही बार लिखोगे आराध्य, आराध्य, और अमाउंट भी एक ही बार दिखाओगे, कितना, 15000। दो बार नहीं दिखाना ये तो आपको समझाने के लिए कि क्रेडिट हम दो आराध्य में 15 क्यों लिखा, वरना आपको क्लियर नहीं होगा। यहां इसलिए समझाया एक बार तो नल इफेक्ट डालने के लिए, हमने यहां डेबिट में गलती से लिख दिया था, उसको क्रेडिट किया 9 से, तो क्या हो गया उसके अकाउंट में अभी नल इफेक्ट हुआ है, ना डेबिट में कोई इंपैक्ट ना क्रेडिट में। 6000 क्रेडिट होना चाहिए था, 6 क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री बन गई। गुड्स परचेज्ड, आप इसकी नरेशन बना दो, गुड्स परचेज फ्रॉम आराध्य रुपी 9000, नाउ रेक्टिफाइड, हो गई है। ये लो, कितनी आसान थी। नरेशन इज मैंडेटरी, दिखानी जरूर है नरेशन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। चलो जी, थर्ड आ रही है अब आपके सामने। लिखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान रुपी 8000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। आया तो अयान से रिटर्न आई थी परचेज, और आई है अमाउंट 8000 की। पहले राइट एंट्री पे आओ। देखो, किसी से भी रिटर्न आएगी इट इज सेल्स रिटर्न, हम रिटर्न नहीं कर रहे, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न में। लिखो क्या एंट्री बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 8000, और टू करो यहां पर अयान 8000। ये चीज क्लियर हुई, ये रिटर्न की है, लिखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान, इट्स मींस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनती है ये। अब लेकिन बाय चांस, बाय मिस्टेक, रॉन्गली हमसे क्या हुआ, अकाउंटेंट ने परचेज रिटर्न समझ लिया इसको, और परचेज रिटर्न में क्या एंट्री पास हुई होगी, याद रखो परचेज रिटर्न में उन्होंने अयान को डेबिट करा, अयान डेबिट और टू परचेज रिटर्न। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे देखते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट 8000, अमाउंट के बारे में कुछ नहीं है तो यही लिखा हुआ है। अब यहां कंपेयर करो क्या दिख रहा है आपसे, कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, इट वॉज रिकॉर्डेड ऑन द सेल बुक, लेकिन कर किस बुक में गए, परचेज। इसको रिवर्स करो पहले, या थर्ड लिखो, या लिखो आप परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 8000, और टू करो अयान, अयान 8000। ये क्लियर हुआ अभी। अब जरा दोबारा चल, अब जरा ये तो क्या काम किया हमने, जो गलत बुक में रिकॉर्ड था उसको रिवर्स कर दिया, तो नल इफेक्ट हुआ। रियल एंट्री तो अभी तक कहीं पर पास ही नहीं हुई, रियल एंट्री पास करो, क्या बनती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान, लिखो यहां पर सेल्स रिटर्न अकाउंट, बहुत ध्यान से करते जाओ एंट्री को, अकाउंट डेबिट टू अयान, कितना अमाउंट है 8, यहां पर भी 8 और यहां पर भी। अब ये देखो, ये समझाने के लिए दो बार आपको लिखा गया अयान क्रेडिट क्यों हुआ, इसको लिखना आपने एक ही बार है, याद रख लो अयान, और यहां पर भी आपको एक ही बार डायरेक्ट दिखाना है 16000। क्लियर है, ये बहुत अच्छी एंट्री थी कि अपोजिट बुक के अंदर हो गई। अब इसकी नरेशन बना दो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम आरटीडी का मतलब रिटर्न फ्रॉम अयान रेक्टिफाइड, क्लियर हो गई ये एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री थी ये। अब जरा आगे चलते एक और,
एक एक एंट्री को समझ के करते चलो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब जरा लास्ट आ रही है फोर्थ। फोर्थ में लिखा है वेजेज पेड रुपी 3980 रुपी पेड किया था और वर रिकॉर्डेड। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पोस्टिंग का मीनिंग अलग आ जाएगा, रिकॉर्डेड का मीनिंग अलग है। जब कभी भी रिकॉर्डिंग आ जाए तो दोनों अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट है वो हिट हो जाएंगे। इन द कैश बुक रुपी 3890 एंट्री पास करते हैं, कितनी वेजेज पेड करी थी हमने, यहां पर आ जाओ, ये लो, ये फोर्थ वेजेज पेड आपने जो करी थी वो लिखी हुई है, ये रहा वेजेज अकाउंट डेबिट 3980 टू कैश। ये तो राइट एंट्री है जो इट शुड बी पास, लेकिन कर क्या गए हम, वो रॉन्ग ईयर ही हमसे क्या हो गया, हमसे ये मिस्टेक हो गई। वेजेज अकाउंट डेबिट 3890 डिजिट चेंज हो गई हमसे टू कैश अकाउंट 38, इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब इधर भी है और इधर भी है। पोस्टेड होता तो किसी एक अकाउंट की बात करता, जिस अकाउंट में कहेगा वो जैसे क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे। रिकॉर्डेड आ रहा है तो मीनिंग है कि कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। आपको याद करो, जितनी भी हम याद रखो, जो भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं क्रेडिट में, और जो कैश पेड करते हैं, इन सबको सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड का मतलब दोनों अकाउंट में। ये रहा वेजेस टू कैश आया। अब जरा यहां से कंपेयर करो क्या दिख रहा है आपको, यहीं से आपको दिख रहा होगा। देखो जरा वेजेज में लिखना इतना था, लिख क्या गए उसमें, कम लिख गए, लिखा गया तो प्लेस चेंज नहीं होगा। यहीं पर आओ फोर्थ में लिखो वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, और टू करो, कैश में भी कम लिखा गया। देख लो जरा 3980 लिखना था लेकिन कम वैल्यू लिखी गई, टू करो यहां पर कैश अकाउंट, और 90 रुपी लिखो, कहां से आया 90 वो भी समझा देता हूं। ये रहा 3980 लिखना था और लिख कितना गए हम 3890, इनके डिफरेंस को दोबारा लिख दो। हमने ये क्यों लिखा डेबिट में वो भी समझ लो, वेजेज में ज्यादा अमाउंट लिखना था और अकाउंटेंट ने गलत लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है तो उसका प्लेस चेंज नहीं होगा। कैश में भी वही काम हुआ है, लिखना इतना था और लिख क्या गए, वैल्यू कम लिख गए, तो उसका भी प्लेस चेंज नहीं होगा, वहीं पर लिख दो। अब इसकी नरेशन बना देते हैं, वेजेज रिकॉर्डेड एज, ये चारों एंट्री हमारी जो एरर की थी सब करती हमने। पहले राइट बनानी है याद रखो, फिर रॉन्ग बनानी है। अच्छा, जब कभी भी सब्सिडरी बुक में अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग आए तो राइट में मत लिखो, क्योंकि कोई एंट्री नहीं होती उसका टोटलिंग की बात करता है वो, तो टोटलिंग से कंपेयर करेंगे कि वो उसमें अंडर हुआ है या कम, तो उससे चेक हो जाएगा। एंट्री आगे हमने पास कर ली, यहां कंपेयर कर लिया करो। तो अब हमारा ये 16 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। अब 17 क्वेश्चन को करते हैं। चलो जी, अब 17 क्वेश्चन की बारी आ गई, 17 क्वेश्चन करते हैं। लिखा है पास द जर्नल एंट्री रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। आपको नीचे जर्नल एंट्री दे रखी है, उनको रेक्टिफाई करना है। लिखा है परचेजेज ऑफ रुपी, फर्स्ट आ रही है परचेजेज ऑफ रुपी 10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड करना ही भूल गए, करी है 10,000 की, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। राइट एंट्री लिखो पहले क्या है। राइट एंट्री आपकी ये बनती है, देखो परचेजेज अकाउंट डेबिट में लिखता हूं यहां परचेज, आप भी ऐसे ही लिखोगे रफ में, ये रफ वर्क है, आपको शो ये करना है, याद रख लो। परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपी और टू क्रेडिटर कर सकते हो, नेम नहीं दे रहा किसका है, या सप्लायर कर सकते हो, कोई भी एक अकाउंट सप्लायर अकाउंट 10,000, क्लियर है ये। वो ये कहता है रॉन्ग एंट्री में हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, ना तो हमने डेबिट साइड में कुछ रिकॉर्ड करा और ना ही हमने क्रेडिट साइड में कुछ रिकॉर्ड करा, ओमिशन हो गई, ओमिशन मीन्स भूल गए लिखना। तो क्या करना चाहिए रेक्टिफाई करते टाइम, एज इट इज उसी को लिख दे एंट्री को, लिख दो, इसमें तो कोई रेक्टिफिकेशन तो है ही नहीं। लिखो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख दो या सप्लायर, दोनों में से कोई भी एक वर्ड, क्योंकि नेम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, 10,000 रुपी। अब इसकी नरेशन बना देंगे, इसकी नरेशन लिख दो यहां पर, आप लिखो गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, नाउ रिकॉर्डेड, ये लो ये बन गई। अब नेक्स्ट करते हैं। अब सेकंड आ रही है,
सेकंड के अंदर लिखा हुआ है परचेजेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर रुपी 10,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, खरीदा तो फर्नीचर था, एंट्री क्या बनती है ये रही। पहले सेकंड पे आओ आप, यहां हमने परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करो, डेबिट में जब हम जो भी चीज परचेज करेंगे उसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 और 2 करो यहां पर, किससे परचेज करा पता ही नहीं चल रहा, क्रेडिटर। ये हमें क्या पता चला ये क्रेडिट परचेज है, क्योंकि परचेज बुक में एंट्री करी है, और परचेज बुक में कब एंट्री पास करते हैं हम, जब वो नॉन कैश हो, क्रेडिट में परचेज है। इसका मतलब ये फर्नीचर हमने किससे परचेज कर रखा होगा, क्रेडिटर से, क्रेडिट में परचेज कर रखा होगा। अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई, ये तो राइट एंट्री इट शुड बी पास होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, गलती से अकाउंटेंट ने क्या पास कर दी, परचेजेज अकाउंट, उन्होंने परचेज बुक में लिख दी, ये समझ लिया कि गुड्स परचेज हुई है टू क्रेडिटर। अब यहां जरा चेक करते हैं क्या मिस्टेक आपको दिख रही है, ये देखो यहां से कंपेयर कर लिया करो, रेक्टिफाई करते टाइम, क्रेडिटर और क्रेडिटर दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई क्रेडिटर में, क्या चीज हो गई, परचेज में तो लिखना ही नहीं था, किसमें लिखना था, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, जिसमें लिख गए उसको रिवर्स कर दो। ये आ जाओ यहां पर सेकंड में, यहां पर आप लिखो टू परचेजेज, टू परचेजेज अकाउंट 10,000 रुपी, और डेबिट क्या करना चाहिए, जो हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि बुक में तो क्या डेबिट हो गया गलती से, परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ, परचेज को तो हमने क्रेडिट किया तो नल इफेक्ट हो गया, रियलिटी में क्या डेबिट होना चाहिए, फर्नीचर, लिख दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपी, ये दिखा दो यहां। अब इसकी नरेशन पुट कर देंगे, फर्नीचर परचेज रॉन्गली, यहां तक बहुत अच्छी एंट्री है, हर एंट्री को समझ के करेंगे कभी गलती नहीं होगी, यहां से कंपेयर कर लिया करो, इसीलिए हमें राइट और रॉन्ग बनानी पड़ती है, राइट रॉन्ग बाद में जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी बाद में हमारे माइंड में अपने आप बनने लग जाएंगी, डायरेक्ट हम ये पास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप ऐसे रफ वर्क में बना लो, फेयर में हमें यह दिखाना याद रख लो, इट इज नॉट मैंडेटरी, याद रखना ये जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बस। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो जी थर्ड आपके सामने आ रही है, कहता है ऑफिस रेंट ऑफ रुपी 15,000 वॉज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड, हमने रेंट पेड किया था और डेबिट किसको कर गए, जिसको पे किया लैंडलॉर्ड को, तो एंट्री क्या बनती है, देखो रेंट पेड की, रेंट पेड की एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट, चलो और टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, याद रख लो, जब कभी भी हम रेंट पे करेंगे, रेंट किसको पे करेंगे, अपने लैंडलॉर्ड को, अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास कर दी, उन्होंने जिसको पे किया उन्हीं का नाम लिख दिया, उन्होंने उनके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास हो गई बाय चांस मिस्टेक, क्या मिस्टेक दिखती है वो कंपेयर होगा, दोनों को कंपेयर कर लो, क्रेडिट में कैश होना चाहिए था और बाय चांस कैश ही हुए, तो कैश में तो कोई गलती नहीं हुई, लैंडलॉर्ड होना नहीं चाहिए था, लैंडलॉर्ड की जगह एक्सपेंस का नाम लिखना था रेंट, तो यहां पर अब क्या गलती दिख रही है आपको, लैंडलॉर्ड आना नहीं चाहिए था, लैंडलॉर्ड को रिवर्स करो, किधर होगा क्रेडिट, तो ये तो अकाउंट हमारा नल इफेक्ट हो जाएगा, आपको याद हो, ये तो थर्ड, टू करो यहां पर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अमाउंट 15,000 लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, चलो डेबिट क्या होना चाहिए, यहां से चेक करो रेंट, तो रेंट को डेबिट करो, ऐसे पास कर लो, कभी भी गलती नहीं होगी, याद रखना आपसे 15,000 लिख दो। अब यहां पर इसकी नरेशन बना दो, नरेशन यहीं से बन गई, देखो रेंट पेड, रेंट पेड रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये नरेशन बना दी हमने, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ रही है, नेक्स्ट में लिखा है ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर रुपी 5,000, मशीन को सेल आउट करा हमने, वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, और किसके अंदर उसकी पोस्टिंग कर गए, सेल्स अकाउंट में गलती से, तो यहां पर जरा चले एक बार फोर्थ के अंदर, देखो जरा फोर्थ में यदि मैं लिखूं यहां पर, हमने मशीन को सेल किया तो क्या इंपैक्ट हुआ होगा, कैश आया होगा, याद करो कैश अकाउंट डेबिट,
और टू क्या चीज होगा यहां पर, मशीन। ये एंट्री तो राइट बन रही है, याद रख लेना, मशीनरी अकाउंट 5000। ये जर्नल एंट्री बनी जो राइट बननी चाहिए थी, इफ यू आर सेलिंग द मशीनरी देन कैश विल कम, तो कैश डेबिट होगा। क्या गोज आउट हो रहा है, मशीन, तो मशीन क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या पास करी, देखो जरा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैश के बारे में कुछ नहीं बता रहा कि कैश को क्या किया उन्होंने, तो कैश अपने प्लेस पर ठीक है, लेकिन क्रेडिट कर दिया उन्होंने सेल्स अकाउंट को, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है। और मैंने आपको बताया रेक्टिफिकेशन का सीधा रूल है, जिस अकाउंट के बारे में फोकस करेगा हमने उसी पर ध्यान रखना है। सेल्स अकाउंट, ये नहीं है कि आप सोचो रिवर्स कर गए, कैश सेल्स कह रहा है कि सेल्स लिख गए, तो आना क्या चाहिए था, यहां से कंपेयर करो, कैश डेबिट है और रॉन्ग में भी डेबिट ही हुआ है, तो ये कैश तो अकाउंट ठीक हो गया। राइट एंट्री के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, क्रेडिट किस में पोस्ट होना चाहिए था, मशीन अकाउंट में, और हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर गए, सेल्स अकाउंट में। कैसे रेक्टिफाई होगा, सेल्स को डेबिट करो, ये लिखो फोर्थ, यहां लिखो सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू करो यहां पर मशीनरी, जिस अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई, अमाउंट 5000, ये लो। क्यों करा वो समझ लो, सेल्स था, सेल्स गलत हो गया था, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नल इफेक्ट डालने, उसके अकाउंट को रिवर्स कर दो जिस अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुई। इस अकाउंट में अभी तक हुई नहीं, ये कौन सी साइड दिख रहा है क्रेडिट, इसको यहां लिख दो, यहां लिख दो सेल ऑफ मशीनरी। अब नरेशन बना दो, नरेशन इज मैंडेटरी, याद रख लो, चीज क्लियर है। अब आगे चलते हैं जरा, चलो जी लास्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन आ रही है, फिफ्थ, चलो जी लास्ट आपके सामने आ रही है फिफ्थ। लिखा है बिल फॉर ₹800 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, मुकेश से एक बिल आया था, किस चीज का आया था, फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, यानी कि क्रेडिट में रिपेयर कराई हमने मशीन की फ्रॉम मुकेश। वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹700। अब राइट एंट्री पे आओ, राइट एंट्री क्या करते हैं, कहता है हमने रिपेयर कराई थी किससे, मुकेश से। यहां पर एक एंट्री पास करो, राइट एंट्री, ये लिखो यहां पर रिपेयर फॉर मशीनरी अकाउंट, फॉर मशीनरी अकाउंट 800, और किससे कराई है, वो बिल मिला है हमें मुकेश से, ये बिल का मतलब समझ गए आप, यानी कि उन्होंने रिपेयर का बिल हमें दिया है, हमने यहां पेड नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि रिपेयर कराई थी फ्रॉम मुकेश और रिसीव्ड ए बिल, यानी कि क्रेडिट में रिपेयर कराई हुई है, तो ऊपर रिपेयर फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मुकेश आएगा। लेकिन अकाउंटेंट ने कैसे रिकॉर्डिंग कर दिया, उन्होंने सोचा हमने परचेज कर रखी है मुकेश से और अमाउंट भी चेंज कर गए। अच्छा, परचेज बुक का मतलब कि हमने गुड्स परचेज करी है क्रेडिट में, यहां पर रॉन्ग एंट्री हमसे क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने रिकॉर्डिंग कर दी किसके अंदर, परचेज बुक में, और टू मुकेश। बड़ी अच्छी एंट्री है, बहुत ध्यान से देखना इसको, 700, और अमाउंट भी चेंज कर गई, 800 की रिपेयर कराई थी, दोबारा समझ लो फ्रॉम मुकेश, मुकेश से ये एंट्री बनती है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मुकेश, क्योंकि पेमेंट नहीं करी अभी हमने उसको। क्यों नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है रिसीव्ड ए बिल, बिल का मतलब है कि जितने रिपेयर का बिल आया होगा, तो एंट्री बन गई रिपेयर फॉर मशीनरी टू मुकेश। अकाउंटेंट ने किसमें एंट्री पास कर दी, वो परचेज बुक में, उन्होंने सोचा क्रेडिट में परचेज करी है, और कितने अमाउंट की, 700 की, क्योंकि जब भी बुक में लिखा जाएगा किसी भी सब्सिडरी बुक में, वो क्रेडिट आइटम है, चाहे वो सेल बुक में हो चाहे परचेज बुक में। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें, जरा कंपेयर करते हैं, कितनी मिस्टेक दिख रही है जरा चेक करते हैं। पहले रिपेयर अभी तक आया ही नहीं रॉन्ग में भी, परचेज ही जाना ही चाहिए था, पहले तो परचेज को रिवर्स कर दो आप, ये फिफ्थ है, या लिखो टू परचेज, ये लो परचेज अकाउंट तो कैंसिल हुआ हमारा, कितना अमाउंट था, 700। एक चीज समझ आई, अब जरा आगे चलते हैं, मुकेश की बात करो, मुकेश में लिखा तो है लेकिन कम लिखा गया, ज्यादा लिखना चाहिए था 800, और लिख कितना गए हम, 7, तो मुकेश का अकाउंट वहीं पर रहेगा, मैंने आपको बताया, ज्यादा लिख देंगे ओवर, यदि उसमें रिकॉर्डिंग कर दी तो उसको रिवर्स कर देंगे, कम लिख गए तो उसका प्लेस वहीं रहने दो, या लिखो टू मुकेश। बहुत अच्छी एंट्री है, बड़े ध्यान से देखते चलना, मुकेश अकाउंट 800 रुपये ओनली। ये क्यों आया, क्योंकि दिख रहा है यहां पर रिकॉर्ड तो ही है मुकेश अकाउंट में, कितने से रिकॉर्डिंग हुई है, 7 से, होनी कितने से चाहिए थी, तो 800 से, तो इसका मतलब 7 से तो हुई है, हमने करनी थी 8 से, तो 100 से और क्रेडिट कर दिया, तो उसमें 800 आ गया। अब रिपेयर अभी तक कहीं नहीं आया, रिपेयर को डेबिट कर दो, रिपेयर फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट मशीनरी
अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आ जाएगा 800, वो यहीं से दिख रहा है, देखो जरा कंपेयर कर लिया करो, बहुत आसान होती है, इसीलिए ये रफ वर्क बना लो, फेयर में दिखानी हमने यही है। यहाँ क्लियर दिख रहा है, देखो परचेजेज तो आना ही नहीं चाहिए था, क्या आना चाहिए था उसकी जगह रिपेयर, परचेजेज को रिवर्स कर दिया, देखो जरा रिपेयर को डेबिट कर दिया। अब इन मुकेश में भी चेक कर लो, मुकेश में रिकॉर्डिंग तो हुई लेकिन कम अमाउंट से हुई, उतना अमाउंट लिख दो जितने कम से हुई। अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, अमाउंट पेबल लिखो, अमाउंट पेबल टू मुकेश रुपी 800 फॉर रिपेयर ऑफ मशीन, फॉर रिपेयर ऑफ, पूरी है याद रखना इसके अंदर रेक्टिफाइड, ये हमारी ये बन गई। अब आज हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बड़े ध्यान से करते जाओ हर क्वेश्चन को, रेक्टिफिकेशन में याद रख लो रफ वर्क जो है एक तरीके से बनाना हमारे लिए जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, याद रख लो, क्योंकि डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन बनानी टफ पड़ेगी यदि हम डायरेक्ट करें। हाँ प्रैक्टिस जब हमारी हो जाएगी तो हम डायरेक्ट भी पास कर देंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें कंपेयर करना पड़ता है कि कौन से अकाउंट में करें, तो हमारी जो है ना एंट्री में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेक्ट आएगी। तो आप कोशिश किया करो रफ वर्क बना लो, लेकिन मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, याद रखना ये जरूरी नहीं है, ये हमारे अपने समझने के लिए जरूरी क्या चीज़ है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करना टुगेदर विद नरेशन, नरेशन भी जरूरी है देनी। अब दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।